हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुष्मिता त्रिपाठी, आपकी होस्ट और दोस्त। स्वागत करती हूँ आप सभी का 26 मई के इतिहासकार दिन में। 26 मई को क्या हुआ था ये अभी अपन लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे बाकी लोग भी जान सकें और वो लोग हमारे साथ में जुड़ सकें। देखिए, सबसे पहली बात, 1999 में भारत की अंतरिक्ष रिसर्च की जो संस्था है इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के कक्ष में स्थापित किया था। ठीक है, चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाँ, फिर भी पूछा जा सकता है शायद। ओके, अगला, लेबनन ने आज ही के दिन 1926 में संविधान अपनाया था। ठीक है, लेबनन जो कि मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, करेंसी और कैपिटल पाउंड और बैरेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने आज ही के दिन में संविधान अपनाया था। ओके, अगला, जैसे हम लोग देख रहे हैं 1912 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी बात करें, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे एक जो आंदोलन किया गया था उसका। ठीक है, साथ ही साथ में जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये एक कह सकते हो कि इनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी तमाम जगह पे। जैसे आप लोग कैसे तो लोक परिषद, बाकी संस्थाओं के संस्थापक भी रहते, सदस्य भी रहते। ठीक है, तो ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। शायद आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से फील्ड से रिलेट करते थे। ठीक है, अगली चीज, 1993 में मशहूर रेसलर सुशील कुमार जी का आज के दिन में जन्म हुआ था। भारत में है ये, बीजिंग ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी स्कोर किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है शायद। ठीक है, और ये कॉम्पीट किए थे 66 kg वेट डिवीजन में जब ये 2010 में वर्ल्ड टाइटल जीते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनके ऊपर बनाया जा सकता है। ओके, खैर, अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 मई 1679 को ब्रिटेन की संसद ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पारित किया। ठीक है, हैबियस कॉर्पस एक्ट जो है आज के दिन में पारित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं आपसे हैबियस कॉर्पस की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग द बॉडी। भारत में भी आपको पता है कि रिट्स जारी किए जाते हैं 5 तरीके के। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, तो वो जो 5 तरीके के रिट्स होते हैं उसमें से एक हैबियस कॉर्पस होता है। कौन कौन से रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडेमस प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी। ठीक है, तो ये होते हैं। इसमें हैबियस कॉर्पस के तहत क्या किया जाता है कि जो भी आप जिसको भी बंदी बनाकर रखे हो उसको आप कोर्ट में ला सकते हो और प्रूफ करना होता है कि ये किस बेसिस पर इन्हें डिटेन किया गया। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसको आज ही के दिन पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने वहां पर पास किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था ज्यादा। ओके, चलो फिर, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान दीजिएगा। थैंक यू पीपल, लव यू पीपल, बाय बाय।